तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल क्लास में हमने देखा था धर्मत का युद्ध, आज हम देखेंगे दूसरा युद्ध। आज का युद्ध हमारा कौन सा? बैटल ऑफ खजुआ। क्या बैटल ऑफ खजुआ? कब हुआ था ये बैटल ऑफ खजुआ? 1659 AD में। किस किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब वर्सेस सूजा। अब औरंगजेब वर्सेस सूजा, जब औरंगजेब आगरा का सुल्तान बन जाता है, आगरा का एम्परर बन जाता है, शहंशाह बन जाता है, तब सूजा सूजा बंगाल की तरफ भाग जाता है पहले। तो अब जसवंत सिंह जी औरंगजेब से की तरफ से लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने फेवर में आ गए, वो किसके? औरंगजेब के फेवर में आए। सूजा आता है अटैक करने औरंगजेब के ऊपर। अब औरंगजेब भेजता है किसको? जसवंत सिंह को। अब जसवंत सिंह को जाता तो है, लेकिन जसवंत सिंह को बड़ा गुस्सा आता है कि यार कल तक अपन इसके खिलाफ लड़ रहे थे, अगर ये उस टाइम चालाकी नहीं दिखाता, कासिम खान को अपनी तरफ नहीं मिलाता, तो मैं इसको मार डालता और अभी अपन दारा को सुल्तान बना देते। तो कैसा क्या किया जाए जो इससे बदला लिया जाए? तो जिस दिन युद्ध होने वाला होता है उसके एक दिन पहले जसवंत सिंह जी मैसेज करते हैं किसको? सूजा को। और तो राजा तो बनने के लिए आ ही रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ मिल जाऊंगा, तो एक काम करना, तू सीधा अटैक कर दे औरंगजेब पे, मैं इधर से अटैक कर दूंगा। मतलब क्या हुआ? सूजा की सेना यहाँ आ रही, ये सूजा की सेना, ये औरंगजेब की सेना, इधर औरंगजेब के साथ जसवंत सिंह जी भी खड़े हैं। इधर से तो सूजा की जो सेना है वो अटैक कर देगी, और इधर जो जसवंत सिंह जी खड़े हैं ये अटैक कर देंगे किसके ऊपर? औरंगजेब के ऊपर। तो औरंगजेब समझ नहीं पाएगा कि मेरे पीछे जाए या तेरे पीछे जाए। तो और जसवंत सिंह जी कहते हैं जहां मैं अटैक करूंगा वहां पर उसके सारे जो हथियार है वो रखे, मैं सीधे उसके हथियार खाने पर अटैक कर दूंगा और हथियार लेके निकल जाऊंगा मैं, और तू सीधा अटैक कर देना, ठीक है? अब दूसरा दिन युद्ध का टाइम आया, जसवंत सिंह जी ने सेम किया, हथियार खाने पर अटैक किया और निकल गए वो। लेकिन जो सूजा था वो महा आलसी था सूजा। सूजा ने 4 घंटे बाद अटैक किया, जब तक वापस सारे हथियार वथियार जमा लेते औरंगजेब ने, और औरंगजेब इसमें जीत जाता है। क्या जीत जाता है? बैटल जीत जाता, सूजा हार जाता। सूजा हारने के बाद पता नहीं कहाँ मणिपुर साइड चला गया था, उसके बाद में सूजा को कोई नामो निशान नहीं मिला, पता नहीं सूजा कहाँ गया। तो कहाँ चला गया था? मणिपुर साइड चला गया था हारने के बाद। तो इस युद्ध में कौन जीतता? औरंगजेब जीत जाता। अब जब जसवंत सिंह जी वापिस जा रहे होते हैं तो उस टाइम आगरा खाली होता है, आगरा के पास में पड़ता है खबजा। क्या? खबजा जो जगह है वो आगरा के पास में पड़ती है। आगरा का जो किला है उसमें औरंगजेब अपने चाचा को छोड़ के आया था, शाइस्ता खान। शाइस्ता खान को पता चलता है कि जसवंत सिंह ने ऐसे ऐसे किया और वो निकल रहा है आगरा के पास, आगरा की तरफ बढ़ रहा है वो। तो वो इतना डर जाता है, वो अपने पास जहर की गोले खाने वाला होता है, जो सिंह की लुगाई होती है, अरे मत खा, जब आ जाए तब खा लेना। पर जसवंत सिंह जी नहीं जाते आगरा की तरफ, वो सीधे कहाँ जाते? जोधपुर आ जाते हैं। ये हो जाता है, इसके बाद में सब शांति रहती है। अब जसवंत सिंह जी के फिर वो है कि अब युद्ध लड़े। अब वो मैसेज करते हैं किसको? दारा को। दारा साजा, वो राजा बनेगा क्या? हाँ बनूंगा। कि एक काम कर, तू उधर से अटैक कर दे, मैं इधर से अटैक कर, मैं तेरी तरफ से लड़ लूंगा। ठीक। अब ये बात पता लगती है औरंगजेब को कि जो आजकल है ना, ये जसवंत सिंह ना दारा के साथ ना हाथाजोड़ी कर रहा है, मतलब ये इन्होंने हाथ मिला लिया अपने खिलाफ। तो जसवंत सिंह जी को बुलाता है औरंगजेब, कह रहे जसवंत सिंह जी क्या करते हो यार, ऐसे मत करो। के चलो ठीक है, मैं नहीं कर रहा, कि मैं आपको ना पूरा गुजरात दे दूंगा, आप ये सब छोटे मोटे काम करना छोड़ो। तो जसवंत सिंह ने कहा बाबा वेल एंड गुड, दे दे तो मुझे क्या दे दे। वो वहां से गुजरात लेके आ जाते हैं, कहाँ पे? जोधपुर वापिस। अब वो ले आते, अब ये बात पता लगती किसको? दारा को, कि ना जसवंत सिंह ने वो ले लिया गुजरात और ये वापिस चले गए वो अपने। तो दारा को यार तो अब क्या करें? जसवंत सिंह जी वापस मैसेज करते हैं दारा को, अरे अटैक करना, कब करेगा अटैक? तो क्या सुन, अटैक कर दे, लेकिन अकेला मत आना, बाकी राजाओं को साथ में लेके आना, बाकी राजस्थान में जो राजा हैं उनको साथ में मिला के अकेला मत आना, क्योंकि अब औरंगजेब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो अकेला मत आना, अपने राजाओं को साथ में लेके आना। वह ठीक है। दारा आता है सिरोही। सिरोही के में आने के बाद वो अब किसको, कौन बड़ा राजा बचा? जसवंत सिंह जी उनके साथ थे ही सही, अब और दूसरा बड़ा राजा कौन? मेवाड़ नरेश।
राज सिंह जी को मैसेज करता है कि जो मुगलिया पगड़ी है वो आपके कदमों में है, वो मेवाड़ के कदमों में है, आप चाहो तो बचा सकते हो इसको। हे हिंदू सूरज, हे मेवाड़ नरेश, कृपया करके मेरा साथ दे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये था राज सिंह जी और दादाजी बने को नहीं। जब राज सिंह जी चित्तौड़ गढ़ का पुनर्निर्माण करा रहे थे, जब दारा ने सेना भेज के वो निर्माण रुकवाया, तो राज सिंह जी और दादाजी बने को नहीं, तो राज सिंह जी आए नहीं। राज सिंह जी ने किसका साथ दिया? औरंगजेब का साथ दिया, वो आए नहीं। अब क्या हुआ? अब होगा बैटल ऑफ दोराई, दोराई का युद्ध होगा जी, कौन कौन के बीच? औरंगजेब वर्सेस दारा। अब जसवंत सिंह जी औरंगजेब की तरफ आए, अब इधर खुआ इधर खाई वाली बात हो गई कि अगर मैं दारा की तरफ से लड़ूंगा तो हार जाएंगे, क्योंकि औरंगजेब भी बहुत पावरफुल है और मैं औरंगजेब की तरफ से लड़ना नहीं चाहता। तो जसवंत सिंह जी जोधपुर से निकले तो सही, लेकिन वो बीच में बैठ गए कहीं, बोला मेरी तबीयत खराब है मैं तो नहीं आ रहा। तो जसवंत सिंह जी इस युद्ध में आए ही नहीं। इस युद्ध में औरंगजेब की किस्मत बहुत चार, उस टाइम सातवें आसमान पे थी, वो इसमें भी जीत जाता है और दारा को बंदी बना लिया जाता है। दारा को बंदी बनाने के बाद सीधा ले जाते हैं आगरा, और दारा को ऐसे नहीं कि मार देते हैं ना, पहले दारा को ले जाते हैं और वहां कालकोठरी में डालते, फिर उसके हाथ बांध दिए और पूरे आगरा में घुमाते। पूरे आगरा में घुमाने के बाद औरंगजेब कहता है वहां की जनता से कि इसके ऊपर टॉयलेट करो, और इस सब इसके ऊपर टॉयलेट वॉयलेट करते हैं, बहुत बुरी तरीके से उसका असर होता है। फिर औरंगजेब उसके नाखून निकलवाता है, आंखें निकलवाता है, फिर उसकी जो मुंडी थी वो उड़वा देता है। मुंडी उड़वाने के बाद अब उसको अभी भी चैन, वो भी मुंडी निकलवाने उसको गिफ्ट पैक करवाता है और भेजता है शाहजहां के पास, शाहजहां को जहां उसने कैद कर रहा होगा, और बोलता है जब शाहजहां खाना खा रहा हो तभी दिखाना है। तो वहां जाते, शाहजहां उस टाइम खाना खा रहा होता है, बोला कि औरंगजेब ने आपके लिए गिफ्ट भेजा और एक लेटर भेजा। तो शाहजहां कहता है पढ़ो लेटर, और लिखता है पापा मेरे से जो गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं आपके लिए एक गिफ्ट भेज रहा हूँ। तो शाहजहां कहता है अरे वाह, इनके भाइयों के बीच में जो भी कलेश थे, लेकिन मेरी तो इज्जत करता है ये, तो ये मेरे लिए तो उसने गिफ्ट भेजा है। अब वो जैसे ही वो खोलता है, घास उसके हाथ में होता है और वो कपड़ा हटाते हैं उसके ऊपर से गिफ्ट के ऊपर। शाहजहां ने 4 दिन उल्टियां करी थी, अपने बेटे का आधा सर कटा हुआ देख के कौन से बाप से रोटी निकले जाए। 4 दिन तक उससे उल्टियां करी थी उसने, और कहते हैं औरंगजेब शाहजहां से मिलने नहीं गया था। जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, जब ही औरंगजेब आगरा किले में जाता है, उससे पहले वो आगरा किले में नहीं गया। ये सब हो गया था। अब जसवंत सिंह जी और औरंगजेब की इनडायरेक्टली दुश्मनी चल रही। अब साउथ, उस टाइम पे औरंगजेब का सबसे बड़ा दुश्मन कोई था तो साउथ में थे, कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब शिवाजी महाराज को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब अपने अपने जो चाचा को भेजता है, कौन? शाइस्ता खान को। शाइस्ता खान को जाता है और पुणे के किले पे वो अपना कब्जा जमा लेता है, और उसके साथ में हेल्प के तौर पे किसको भेजते हैं? जसवंत सिंह जी को भेजता है औरंगजेब। जसवंत सिंह जी जाते हैं, शिवाजी को मैसेज करते हैं पुणे का किला चाहिए क्या? बोला हाँ चाहिए। तो एक काम करो, मैं तुम्हें सेना के कपड़े दे दूंगा, तुम रात को घुस जाओ सेना के कपड़े में और अपना कब्जा कर लो, किस पे? पुणे किले पे। 40,000 सेना के कपड़े दिए थे किसने? जसवंत सिंह ने शिवाजी महाराज को। वो सब पहनते हैं कपड़े और गेट कीपर के पास जाते हैं चार सारे, तो कहते कौन? कि हम मुगल सैनिक हैं, हम लोग निकल रहे थे तो हम रात हो गई थी, इसलिए हमको यहाँ रुकना है, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। अब मुगल सैनिक थे, मुगल कपड़े पहने हुए थे, तो जो गेट कीपर था उसने गेट खोल दिया और अंदर आने दिया। शाइस्ता खान के छाती पर बैठ गए थे शिवाजी महाराज, उसका अंगूठा काटा था कि आज तो मैं अंगूठा काट रहा हूँ, अगली बार दिख गया ना अगर तो तेरी तेरे को जान से मार दूंगा। तो भाग के वहां जाता औरंगजेब के पास, औरंगजेब के पास जाके अरे मैंने तुझसे कहा था ये जसवंत सिंह को मैं भेज, ये सारा जो किया धरा है ना जसवंत सिंह का है, पर औरंगजेब उस टाइम मानता नहीं बात, कह रहे जा भी रहने तो फालतू मत दिख मत जाना मुझे आज के बाद। शाइस्ता खान को भेज देता है वहां से। अब फिर दोबारा वो भेजता है किसको? अपने बेटे की पोस्टिंग कराता है साउथ में, तो बेटा कौन? मुहज्जम। मुहज्जम जो आगे जाके बहादुर फर्स्ट बनेगा, बहादुर शाह फर्स्ट बनेगा। मोहज्जम, मोहज्जम कहाँ जाता है? साउथ में।
और जो जसवंत सिंह जी थे वो पहले से साउथ में थे, क्योंकि उस टाइम भेजा था शाइस्ता खान जी, तो वो तो वही वही थे, वो नहीं आए थे। अब जसवंत सिंह जी मुज्जन से बोलते हैं, क्यों तेरे को अगला राजा बनना है क्या? हाँ बनना, एक काम करो, तू तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे। और वहां पे मुज्जन बगावत कर देता है और साउथ में अपने आप को इंडिपेंडेंट मुगल शहंशाह घोषित कर देता है। कहाँ पे? साउथ में। अब ये बात पता लगती है औरंगजेब, औरंगजेब समझ आता है ये सारा किया धरा किसका है, जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह का ट्रांसफर करता है वो गुजरात, फिर वो सोचता है यार गुजरात से जोधपुर पास नहीं, वो फिर काटा कूटा करेगा, कहाँ भेजता है? फिर काबुल भेज देता है वो, किसको? जसवंत सिंह जी को ट्रांसफर करके कहाँ भेज देता है? काबुल। काबुल भेजने के बाद अब वो सोचता है अब क्या किया, इससे कैसे बदला लिया जाए। औरंगजेब सोचता है, औरंगजेब एक हुक्म जारी करवाता है कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए। ये बात पता लगती है किसको? जसवंत सिंह को, काबुल में। अब वो हाथ पटकते पैर पटकते इतनी जल्दी वो जोधपुर आ ही नहीं सकते। वो कहते हैं मैं मेरी पीढ़ियों को क्या जवाब दूंगा कि जोधपुर का राजा होके मैं मंदिरों की रक्षा नहीं कर पाया, मेरे मेरे होते हुए इसकी इतनी औकात हो गई कि हमारे जोधपुर में घुस के हमारे मंदिर तोड़ दिए। और हाथ पटकते कुछ पर कुछ कर ही नहीं सकते, काबुल से जोधपुर बहुत दूर है और आगरा से बहुत बहुत पास है, ये चीज पॉसिबल ही साबित नहीं होती। तो क्या किया जाए? जसवंत सिंह जी दिमाग लगाते, जसवंत सिंह जी एक फरमान जारी करते हैं, कहाँ पे? काबुल में। जितनी भी मस्जिदें हैं सब तोड़ दो काबुल, अरे काबुल की नहीं ईरान तक की मस्जिदें तोड़ दो। कौन बोलता है ये? जसवंत सिंह जी बोलते। अब ये बात पता लगती है औरंगजेब को, औरंगजेब अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने क्या करा? हाथ मत लगा देना किसी मस्जिद को, कि मैंने एक इतने जो एक कट्टर मौलवी हो गए, इससे की पूरी जो जो कट्टर लोग उसको अपनी तरफ लाया, अब तू यार ये करके तो तू मेरे मेरी मट्टी पलीत करेगा, तो किसी को हाथ मत देना। तो कह ठीक है मैं मेरा फरमान वापस ले लूंगा, पहले तू तेरा फरमान ला ले। औरंगजेब अपना फरमान वापस लेता है मंदिर ना तोड़ने का, और फिर जसवंत सिंह जी अपना वापस ले लेते। जब जसवंत सिंह जी मरे थे ना, तो औरंगजेब ने पार्टी करी थी और वो एक शब्द कही थी, आज कुफ का दरवाजा खत्म हो गया। क्योंकि औरंगजेब कुछ भी काम करे हिंदू के खिलाफ, सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा था वो जसवंत सिंह जी, जजिया लगाए तो जजिया लगाने नहीं दे, मंदिर तोड़े मंदिर तोड़ने नहीं दे, तो अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा था तो वो कौन था? जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह के मरने के बाद औरंगजेब ने पार्टी करी थी, आशा जैसे औरंगजेब की मृत्यु और उसकी जसवंत सिंह जी की मृत्यु होती है और तुरंत औरंगजेब जजिया लागू कर देता है। क्या कर देता है? जजिया लागू कर देता है। जब तक जसवंत सिंह जी जिंदा थे उन्होंने हिंदुओं के सूरज की रक्षा करी, उनके होते हुए औरंगजेब कुछ नहीं कर पाते। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब उसके बाद में जाके औरंगजेब ने जजिया लगाया था, फिर बाकी की जो एक्टिविटी करी थी वो अलग करी। तो जसवंत सिंह जी बहुत बड़े योद्धा रहे थे उस टाइम। आज हमने क्या पढ़ा? जसवंत सिंह। कल हम आगे का पढ़ेंगे, इनके कौन 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 स्कॉलर थे, इनकी लिटरेचर, इनमें क्या 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 किताबें लिखी गई, ये सब हम करेंगे पढ़ेंगे कल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जैसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज स्टडी विद हिमांशु। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।